हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द सेकेंड टर्म विद द ज्योग्राफी विद द सिक्स चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. वट वर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन द फर्स्ट टर्म विल ट्राई आर बेस्ट टू सॉर्ट आउट दैट. फॉर दिस आई हैव डिसाइडेड दैट ड्यूरिंग एवरी सैटरडे देर इज़ द डाउट डे. इट मीन्स इफ यू हैव एनी डाउट इन माई वीडियोज or in a book exercise, you can ask me through WhatsApp between 4 to 5 p.m. I'll try my best to solve your doubts. So let's start with the sixth chapter, Natural Vegetation and Wildlife. This chapter starts with the story of a girl named Salima. She was very much excited because recently she was attending the summer camp. She was visited Manali in the Himachal Pradesh with her classmates. So she realized that as the bus climbed higher and higher during the trip, he saw that there was a changes in the landforms and natural vegetation. वो नोटिस करती है कि जैसे जैसे बस जो है उनके ट्रिप की बस जब वो हायर एरियाज़ में जाना शुरू करती है तो वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन और लैंडफॉर्म्स चेंज होते जाते हैं. यू नो फर्स्टली देर वॉज अ प्लेन एरियाज और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं माउंटेन एरिया स्टार्ट हो जाता है. वो देखती है कि स्लोली स्लोली ये जो जंगल्स थे फुट हिल्स में जिनमें साल और टीक के ट्रीज थे दे वर स्लोली डिसअपियर्ड. और अब वो देखती है कि जैसे जैसे बस ऊपर जा रही है तो देर वर द टाल ट्रीज जिनकी पॉइंटेड लीव्स होती हैं और कोन शेप्ड जिनकी कैनोपीज होती हैं. रोडोडेंड्रंस वर देयर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रोडोडेंड्रंस फ्लावर्स. वो नोटिस करती है कि जैसे जैसे हायर एरियाज़ में जाते हैं तो इस तरह के ट्रीज उसको प्लांट्स दिखते हैं जिसकी लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी पॉइंटेड होती हैं, थोड़ी तिखी होती हैं. तो वो नोटिस करती है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं लैंडफॉर्म्स भी चेंज होते जाते हैं और वेजिटेशन भी चेंज होती जाती है. सलीमास की ऑब्जर्वेशन से वी वर लिटल बिट डाउटफुल दैट इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन. क्या लैंड की हाइट का वेजिटेशन की करेक्टरिस्टिक्स के साथ कोई रिलेशन्स है? यस ऑफकोर्स है. बिकॉज विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस. जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं क्लाइमेट चेंज हो जाता है एंड ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन आल्सो चेंजेस. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. वेजिटेशन की ग्रोथ टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है. बट नॉट ओनली दीज टू फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन बट आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. द टाइप एंड वेजिटेशन ऑफ नेचर वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स. एक जगह से दूसरी जगह तक नेचुरल वेजिटेशन की टाइप्स और उसकी थिकनेस जो होती है वो चेंज होती जाती है ड्यू टू चेंज इन दीज फैक्टर्स. तो डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स वी आर जनरली क्लासिफाइड द नेचुरल वेजिटेशन इनटू थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैटेगरीज. फर्स्ट इज फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड्स, देन श्रब्स. फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ट्री कवर. फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर रेनफॉल और टेम्परेचर प्लेंटीफुल होता है, मतलब ज़्यादा होता है, जो कि ट्रीज़ की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोथ. जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होती हैं, मतलब ठीक फॉरेस्ट जो होते हैं वो होते हैं. देन सेकेंड कैटेगरी इज ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. ग्रासलैंड्स कहाँ पे होते हैं? द एरियाज विच रिसीव मॉडरेट रेन. मॉडरेट रेन मीन्स नॉट टू मच हाई, नॉट टू मच लो. जहाँ पे ठीक ठीक बारिश होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है और बहुत कम भी नहीं होती है. थर्ड कैटेगरी इज श्रब्स. थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन. श्रब्स जड़ी बूटियाँ ये
आप कांटे वगैरह झाड़ियाँ जो होती हैं ये कहाँ पे होती हैं, द एरियाज़ विच आर ड्राई, जो ड्राई एरियाज़ होते हैं, हॉट एंड ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पे श्रब्स पाए जाते हैं। तो जो कुछ भी सलीमा नोटिस करती है ड्यूरिंग हर ट्रिप ऑफ द हिमालयन ट्रिप, तो शी डिस्कस्ड ऑल अबाउट विद आवर फादर, अपने फादर के साथ डिस्कशन करती है। उसके पापा ने बहुत सारी प्लेसेस जो होते हैं वो विज़िट किए होते हैं, तो वो सलीमा को बताते हैं अपने विज़िट के बारे में कि देर वर द वराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंटिनेंट्स, इवन अलग अलग कंटिनेंट्स की अलग अलग वेजिटेशन होती है। कुछ एरियाज़ में कॉनिफ्रस फॉरेस्ट होते हैं, कुछ एरियाज़ में थॉर्नी बुशेज होती हैं, एंड इन सम एरियाज़ देयर वर द थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्रीज होती हैं। तो इस तरह से वो उनको बताते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ देयर इन द डिफरेंट कंटिनेंट्स डिफरेंट एरियाज़। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। नेचुरल वेजिटेशन जो चेंज होती है ड्यू टू चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिस एरियाज़ में जो एरियाज़ बहुत गर्म होते हैं वहाँ पे अलग तरह की वेजिटेशन होती है, जो एरियाज़ जो होते हैं वो मॉडरेट एरियाज़ होते हैं, टेम्परेट एरियाज़ होते हैं, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी जिन एरियाज़ में होती है वहाँ पे अलग तरह की वेजिटेशन होती है, और जो पोलर एरियाज़ होते हैं मतलब जो फ्रीजिड जोन में एरियाज़ होते हैं उनकी अलग तरह की वेजिटेशन होती है। तो फर्स्ट हम वेजिटेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में फर्स्ट टाइप इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एज द नेम सजेस्ट्स दैट एवरग्रीन मीन्स विच रिमेन्स ग्रीन। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि उन एरियाज़ में फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा रेन होती है, डिपेंड्स अपॉन द रेन बिकॉज, सो दीज आर नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आल्सो। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। इक्वेटर के आसपास और ट्रॉपिक्स के पास ये जो थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बिकॉज दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के पास होते हैं, बहुत गर्म एरियाज होते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है तो इसलिए यहाँ पे ट्रीज भी फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज देर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन सो ट्रीज डोंट शेड द लीव्स ऑल टुगेदर, क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्राई सीजन तो यहाँ पे होता नहीं है, हॉट एंड ह्यूमिड सीजन होता है, वेदर यहाँ पे होता है, तो इसलिए यहाँ के जो ट्रीज़ हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपनी लीव्स जो है वो शेड नहीं करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, क्योंकि वो अपनी ट्रीज शेड नहीं करते हैं पर्टिकुलर सीज़न में, इसलिए वो ऑलवेज दे रिमेन ग्रीन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। द थिक कैनोपीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। ये जो इनकी थिक कैनोपीज होती है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये आप देखिए कि ऊपर किस तरह से ये जो ट्रीज हैं ये सारे कैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं कि सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इनको कैनोपीज बोलते हैं। दूर से देखने से हमें ऐसा लगता है कि सारे एक ही हैं, बट क्योंकि बहुत ही थिक होते हैं तो ऊपर से इस तरह से महसूस होता है, बट एक्चुअली में सच में वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ये जो इनकी थिक कैनोपीज होती है, तो ये इतनी ज़्यादा थिक होती है कि ये जो सनलाइट होती है इवन डे टाइम पे भी ये फॉरेस्ट के मतलब ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए वहाँ पे हमेशा ही वो ह्यूमिडिटी रहती है, यू कैन से ड्राई लैंड नहीं हो पाती है, दलदली लैंड यू कैन से वो रहती है। तो हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं जैसे रोजवुड है, इबोनी है, महोगनी है, वो यहाँ पे कॉमन पाए जाते हैं। तो इसके बहुत कुछ मेन इसके जो फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जो ब्राज़ील में जो इतने ज़्यादा यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं कि इट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, इसको हम ब्राज़ील में जो फॉरेस्ट हैं इतने ज़्यादा हैं कि हम उसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। एंड सेकेंडली एनाकोंडा जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्नेक है वो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, क्योंकि वो दलदली लैंड होती है, सन रेज नीचे तक नहीं पहुँच पाती है, तो बहुत सारे रेप्टाइल्स यहाँ पे यहाँ जो डेंजरस यू कैन से स्नेक्स वगैरह क्रोकोडाइल्स वगैरह वो यहाँ पे पाए जाते हैं। आई थिंक इट इज़ सफिशेंट फॉर टुडे बिकॉज इट इज़ योर फर्स्ट वीडियो, तो टुमारो वी विल स्टार्ट आर नेक्स्ट वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।